नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं विश्व इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आईएएस और पीसीएस मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो प्रश्न है कि उन कारणों एवं परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिसने फ्रांस की क्रांति की नींव रखी, अर्थात फ्रांस की क्रांति के होने के कारणों एवं उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को बताना है। इसमें देखिए मुख्यतः 10 पॉइंट 10 तथ्य हैं और इन 10 तथ्यों को समझ लेने पर आंसर किसी भी तरह आए हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि फ्रांस की क्रांति के कारण एवं परिस्थितियां क्या थी। तो शुरू में देखिए राजनीतिक कारण मुख्यतः 3 हैं। पहला कि फ्रांस में राजत्व के दैवीय सिद्धांत पर आधारित निरंकुश राजतंत्र था एवं राजा स्वेच्छाचारी था। फ्रांस में क्या था? निरंकुश राजतंत्र था जो कि राज्य के दैवीय सिद्धांत पर आधारित था और राजा स्वेच्छाचारी था। लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। तो जब इस तरह की शासन व्यवस्था होगी तो जनता का अंतहीन शोषण होगा ही, और जब जनता का शोषण होगा तो जनता क्रांति करेगी ही। दूसरा कारण राजनीति में कि लुई 14वें ने शासन व्यवस्था को अत्यधिक केंद्रीकृत बना दिया था, अतः इस व्यवस्था में योग्य शासक का होना अति आवश्यक था, किंतु दुर्भाग्य से लुई 15वां एवं लुई 16वां अत्यधिक अयोग्य शासक सिद्ध हुए। राजनीति में तीसरा कारण कि शासक वर्ग जनता की परेशानियों से अनभिज्ञ था। शासक वर्ग जो था वो जनता की परेशानियों से अनभिज्ञ था, अनजान था। एक बार लोगों का जुलूस रोटी मांग रहा था, तब फ्रांस की महारानी एंटोनियट ने कहा कि अगर रोटी नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खाते। अर्थात रानी को यह भी नहीं पता था कि मूल समस्या आटे की है, आटा नहीं है अर्थात उन्हें रोटी नहीं मिल रही है तो केक भी नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि देखिए फ्रांस के सामाजिक कारण को भी समझ लेना है, सामाजिक संरचना क्या है। तो इसमें देखिए तत्कालीन फ्रांस का समाज 3 वर्गों अर्थात जिन्हें स्टेट्स भी कहा जाता था, तो 3 वर्गों अर्थात स्टेट्स में विभाजित था। तो प्रथम वर्ग में पादरी आते थे और पादरी में भी 2 वर्ग था, उच्च पादरी वर्ग और निम्न पादरी वर्ग। तो जो उच्च पादरी वर्ग था उसके पास अपार धन था और यह विलासी भी था, और अपार धन होते हुए भी यह कर से मुक्त था, अर्थात उच्च पादरी वर्ग को टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि वो खुद टाइथ नामक कर वसूलता था उच्च पादरी वर्ग। किंतु जो निम्न पादरी वर्ग था वो आम आदमी की तरह ही था और बहुत ही संयमित और उच्च नैतिक आदर्शों का पालन करता था। समाज का जो द्वितीय वर्ग था, फ्रांस के समाज का द्वितीय वर्ग जो था उसमें कुलीन वर्ग आता था, और इसी कुलीन वर्ग से ही सेना, चर्च और न्यायालय जैसे सभी महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्ति होती थी इसी कुलीन वर्ग से ही। ये जो कुलीन वर्ग था यह किसानों से कर वसूलता था, साथ ही किसानों का अत्यधिक शोषण भी करता था। अब देखिए तत्कालीन फ्रांस के समाज में तृतीय वर्ग था, ये आम आदमी का वर्ग था। इसमें देखिए किसान आते थे, मजदूर आते थे, शिल्पकार आते थे, छोटे व्यापारी आते थे और बुद्धिजीवी आते थे। और इन सभी जैसे किसान, मजदूर, शिल्पकार, छोटे व्यापारी और बुद्धिजीवी, इन सभी वर्गों की अपनी अपनी समस्याएं थीं, जैसे हर वर्ग की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। तो ये जो पूरा समाज 3 वर्गों में बटा था फ्रांस का, तो इसमें देखिए किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। किसानों को राज्य, चर्च एवं जमींदार, इन तीनों को कर देना पड़ता था, साथ ही राज्य, चर्च और जमींदार इनका अर्थात किसानों का अत्यधिक शोषण भी करते थे। और देखिए मध्य वर्ग जो था, तो मध्य वर्ग में डॉक्टर आते थे, वकील आते थे, लेखक आते थे, और मध्य वर्ग की स्थिति कुछ ठीक थी, तुलनात्मक रूप से, किंतु
तत्कालीन परिस्थितियों के प्रति इनमें भी आक्रोश था, मध्य वर्ग में भी आक्रोश था तत्कालीन परिस्थितियों के प्रति। तो ये पूरा तीन वर्ग था जो कि बहुत ही जटिल समाज हो गया था फ्रांस का तत्कालीन समय में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति फ्रांसीसी समाज के दो परस्पर विरोधी गुटों के संघर्ष का परिणाम थी, क्योंकि एक वर्ग वह था जो बहुत अमीर था किंतु वो टैक्स नहीं देता था, दूसरा जो अत्यधिक गरीब था किंतु उसे टैक्स भी देना पड़ता था और उच्च वर्ग का शोषण भी सहना पड़ता था। तो ये देखिए तीन मतलब हो गए सामाजिक कारण, ये तीन हो गए मुख्यतः। और आर्थिक कारण देखिए, तो आर्थिक कारण में भी तीन महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें ध्यान में रखना है। तो देखिए, शासकों की फिजूल खर्ची एवं लगातार युद्ध के कारण फ्रांस दिवालियापन के कगार पे पहुंच गया था। आर्थिक कारण में दूसरा है कि संपन्न विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग पर कर से मुक्त था। जो संपन्न विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था वो बहुत ही संपन्न था किंतु कर से मुक्त था, ये विडंबना थी, जबकि गरीब वर्ग करों के बोझ से कराह रहा था। तो अब इस परिस्थितियों में सरकार जो थी वो आय के अनुसार व्यय नहीं करती थी बल्कि व्यय के अनुसार आय सुनिश्चित करती थी, अर्थात सरकार अपना व्यय निर्धारित करती थी और उस व्यय को पूरा करने के लिए अत्यधिक कर लगाती थी और यह नहीं देखती थी जनता कितनी दिनहीन स्थिति में रह रही है। तो इन परिस्थितियों में जनता विद्रोह करना स्वाभाविक था। तो इन परिस्थितियों में ये देखिए, उस फ्रांस की सरकार के वित्त सलाहकार थे तुर्गो और नेकर, तो इन्होंने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग पर कर लगाया जाए ऐसा कहा। इन्होंने कहा कि आर्थिक संकट अगर दूर करना है तो जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है अर्थात जो कर नहीं दे रहा है उस पर कर लगाया जाए ताकि सरकार की इनकम बढ़ सके। तो और इसी मतलब संदर्भ में 1789 में तीनों वर्ग के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक हुई जिसे स्टेट्स जनरल कहा गया। और जो ये स्टेट जनरल था इसमें समाज के देखिए प्रथम वर्ग अर्थात पादरी वर्ग भी था, द्वितीय वर्ग अर्थात कुलीन वर्ग भी था और तृतीय वर्ग था अर्थात आम आदमी भी था। तो इन्हों के ये लोग शुरू में जो कुलीन वर्ग थे और जो पादरी वर्ग थे ये संयुक्त बैठक नहीं चाहते थे क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम थी और जो तृतीय वर्ग था इनकी संख्या ज़्यादा थी, किंतु काफ़ी नानुकुर करने के बाद एक संयुक्त बैठक हुई तीनों की। तो तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक हुई जिसे स्टेट जनरल नाम दिया गया और स्टेट जनरल जल्द ही राष्ट्रीय सभा में बदल गई और इसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया संविधान का निर्माण। राष्ट्रीय सभा ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया। इसी समय यह खबर फैल गई कि राजा ने भारी मात्रा में बास्टिल के दुर्ग में शस्त्र जमा कर दिया है और राजा जल्द ही इस पे मतलब राष्ट्रीय सभा पर हमला करने वाला है, ऐसी खबर फैल गई। तो इस परिस्थिति में 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भारी भीड़ ने बास्टिल के दुर्ग पर हमला कर दिया और वहाँ के कैदियों को मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार यह क्रांति की शुरुआत हो गई फ्रांस में। और ये 9 प्रमुख तथ्य थे और साथ ही एक जो तथ्य ध्यान में रखना है कि बुद्धिजीवियों ने भी फ्रांस की क्रांति के लिए योगदान दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बुद्धिजीवियों ने किस प्रकार फ्रांस की क्रांति में योगदान दिया, तो यह अगला प्रश्न है, इस पर जल्दी चर्चा करेंगे। तब तक सादर नमस्कार।